छह इनिंग्स खेली हैं, जस्ट 128 रन्स, ये बहुत प्रॉमिसिंग टैलेंट है राइट। और ऑन हिज डे यार उससे बेटर कोई बैट्समैन हार्डली कोई है तो बाकी 27 रन से बाकी चार मैचेस में आया, व्हिच वाज कॉल्ड अग्रेसिव क्रिकेट। दो मैचेस खेलने को मिले सिर्फ, क्या बोले इसके बारे में, कह सकते हैं कि मतलब प्रॉब्ली दिस वाज हिज लास्ट वर्ल्ड कप। Hey guys, welcome back to Bro Sports. It's all fun and games. This is Mohit and this is Aditya. और हमारी कंट्री के लिए T20 वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है। Right. So now just reflect back on what happened. आज हम लोग जरा एनालाइज करते हैं कि हमारे इंडियन प्लेयर्स ने कैसी परफॉर्मेंस दी और सबके लिए ये कैंपेन कैसा रहा। So shall we begin? Let's begin. सो स्टार्टिंग विद बैट्समैन, सबसे पहले केएल राहुल की बात करते हैं भाई, स्ट्राइक वही लेते हैं। सो छह इनिंग्स खेली हैं, जस्ट 128 रन्स, एवरेज देखिए तो 21.33 का है और स्ट्राइक रेट 120.75। मुझे लगता है ना कि केएल राहुल के साथ वही था सिचुएशन जो कि हमने मेंटेन करते आ रहे हैं बहुत टाइम से कि बहुत प्रॉमिसिंग टैलेंट है राइट। और ऑन हिज डे यार उससे बेटर कोई बैट्समैन हार्डली कोई है तो वो चीज को ट्रस्ट करते हुए हमने उसको वाइस कैप्टन भी बनाया टीम का right. और उसको एक शोर शॉट प्लेस दी। आई एम ऑल फॉर गिविंग कॉन्फिडेंस टू प्लेयर्स रिगार्डिंग देयर पोजीशन इन द स्टार्टिंग 11, क्योंकि हमने यही कहा था पहले भी वीडियोस में कि अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा प्लेयर को तो हमेशा वो डर के खेलेगा राइट। बट एक फाइन लाइन होती है जब तुम उसको भी एक्सीड कर जाते हो और फिर होता ना आदमी फॉर ग्रांटेड ना लेने लग जाए। एंड इस टूर्नामेंट में अगर देखें हम लोग 128 रन मारे भाई ने, 250 मारी है एक बांग्लादेश और एक जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, एक में 50 मारे एक में 51, तो 101 रन तो दो मैचेस भी हो गए, तो बाकी 27 रन से बाकी चार मैचेस में आया। और उन चार मैचेस में से एक पाकिस्तान से था, एक साउथ अफ्रीका से था और एक इंग्लैंड से था राइट। बिग गेम्स जहां पे जरूरत थी। तो यार वही बात है कि ही कुड नॉट परफॉर्म, चलो जो भी है। एंड स्ट्राइक रेट भी मुझे लगता है ना जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा है वीडियोस में कि इंडिया का पावर प्ले में रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। अब आई एम हाईली सर्टेन कि इसी के वजह से अगर हमारी स्टार्ट अच्छी हुई होती बाय चांस पावर प्ले में अगेंस्ट इंग्लैंड तो सेमीफाइनल का रिजल्ट कुछ और होता। ट्रू। तो उसमें केएल राहुल का भी डेफिनेटली बहुत बड़ा हाथ है ही। तो मुझे नहीं लगता कि उसका कैंपेन मतलब नोवेयर नियर व्हाट इट शुड हैव बीन फॉर केएल राहुल एंड अ वेरी पुअर कैंपेन बाय हिम। सो मूविंग ऑन, रोहित शर्मा 6 इनिंग्स 116 रन, 19.33 का एवरेज और 106.42 का स्ट्राइक रेट। अनदर पुअर कैंपेन बाय अंडरवेलमिंग यार। हाँ मतलब हमारे ओपनर्स से हमें जो स्टार्ट चाहिए थी ना, जो फायर पावर चाहिए थी, क्योंकि गोइंग इनटू दिस वर्ल्ड कप सिंस द लास्ट वर्ल्ड कप हमने एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट मार्केट करने की कोशिश की थी फॉर आवर सेल्स राइट, व्हिच वाज लेड बाय रोहित शर्मा, व्हिच वाज कॉल्ड अग्रेसिव क्रिकेट। ठीक है कि हम लोग विल गो ऑल गन्स ब्लेजिंग स्टार्टिंग से, जो कि इंग्लैंड बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करते आ रही है स्पेशली सिंस ब्रेंडन मैकलम हैज टेकन ओवर एज देयर कोच राइट। तो ये सब बातें हम लोग फॉर्मुलेट नहीं कर पाए, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। और उसमें जैसे कि हमने केएल राहुल के लिए कहा था, सिमिलरली फॉर रोहित शर्मा यार, जो स्टार्ट हमें चाहिए थी रोहित शर्मा की भी स्ट्राइक रेट या मतलब नोवेयर नियर व्हाट इट शुड बी ट्रू फॉर अ प्लेयर ऑफ हिज स्टैचर एंड फॉर एनी प्लेयर इन T20s। अब आते हैं वन डाउन पे, विराट कोहली आई थिंक यार बहुत अच्छा कैंपेन रहा उसका, 296 रन ही हैज स्कोर्ड, 6 इनिंग्स खेली हैं और 98.67 का एवरेज और 136.41 का स्ट्राइक रेट। इसमें तो ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, मतलब इजीली द बेस्ट बैट्समैन नॉट जस्ट ऑफ टीम इंडिया बट ऑफ द टूर्नामेंट फॉर मी, और टॉप स्कोर रह जाएगा टूर्नामेंट का। हाँ, हाईली लाइकली राइट। और मतलब हाँ यार, हैट्स ऑफ टू हिम, अनदर ग्रेट शो बाय हिम। T20 वर्ल्ड कप्स में यार वो अकेला ऑलमोस्ट लीड करता आ रहा है हमें कई सालों से, एंड विद द काइंड ऑफ स्टोरी ही हैड राइट इन द प्रीवियस मंथ्स, उसके बाद उसने अच्छा कमबैक करा। एंड ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है ना, ऑस्ट्रेलिया जैसे जगह उसको सूट करती है क्योंकि ग्राउंड्स बड़े होते हैं तो पावर हिटिंग का गेम जाता सिर्फ। तो यहाँ पे विराट कोहली बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाया अपना गेम प्लान राइट, एंड फुल क्रेडिट टू हिम। सो सूर्य कुमार यादव 6 इनिंग्स 239 रन, इंडिया का सेकंड हाईएस्ट स्कोरर, 59.75 का एवरेज और 189.68 का स्ट्राइक रेट, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है। मतलब मेरे लिए फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट है फॉर इंडिया, ऑल्दो कह सकते हैं कि यार पहले से ही फाइंड तो बन ही चुका था, 100 मारी थी उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट T20s में इन इंग्लैंड इसी साल। बट हाँ मतलब उसने अपनी सीमेंट कर ली पोजीशन, स्टैंप ऑफ अथॉरिटी उसने एस्टैब्लिश कर दिया अपना विद दिस वर्ल्ड कप, और अब कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता मुझे लगता उसकी पोजीशन। वो बहुत अच्छा गया है उसका टूर्नामेंट 100%। सो कमिंग लोअर डाउन द ऑर्डर, अब बात करते हैं दिनेश कार्तिक की, द फिनिशर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो करेगा। 3 मैच खेले हैं, 14 रन मारे ऐसे, 4.67 का एवरेज और 63.64 का स्ट्राइक रेट। दिनेश कार्तिक का केस ना थोड़ा सा सब्जेक्टिव है क्योंकि उसको इन ऑल ऑनेस्टी इतने चांसेस नहीं मिले और जब मिला है तो ज्यादा बॉलें खेलने को मिली नहीं है। बट पता है यार अश्विन ने ज्यादा रन मारे उससे। हाँ ये बात आ जाती है, अश्विन ने ज्यादा रन मारे और स्ट्राइक रेट या फॉर अ फिनिशर बहुत एग्जैक्टली 60s का स्ट्राइक रेट इज नॉट एट ऑल गुड एज पर एनीबॉडी स्टैंडर्ड्स।
तो कह सकते हैं कि मतलब प्रॉब्ली दिस वॉज इज लास्ट वर्ल्ड कप इन माई ओपिनियन. और इसके बाद से आई फील दैट वी शुड फुल्ली फोकस ऑन डेवलपिंग ऋषभ पंत, नॉट जस्ट एज अ शो शॉट स्टार्टर इन द टीम बट ऑल्सो एज अ पोटेंशियल कैप्टन एंड वाइस कैप्टन फॉर टीम इंडिया इन फ्यूचर. एंड टॉकिंग अबाउट ऋषभ पंत, यार दो मैचेस खेलने को मिले सिर्फ, क्या बोले इसके बारे में? बिल्कुल जज करना फेयर नहीं है. एक मैच उसने पहले बैटिंग करी थी थोड़ी बट ठीक है, आउट हो गया था अगेंस्ट जिम्बाब्वे और एक में तो सैक्रिफाइस ही करना पड़ गया. तो उस मेंटल फ्रेम में तुम्हें खेलने को भी नहीं मिल रहा है जो भी है. It's not fair to judge him, so I won't say anything about it. Right. So talking about Hardik Pandya, 5 innings खेली, 128 runs, 25.6 का एवरेज और 131.96 का स्ट्राइक रेट. हार्दिक पांड्या क्या है विद द बैट, मुझे लगता है ओवरऑल एक अच्छा कैंपेन गया गिवन कि वो थ्री डाउन में बैटिंग करता है थोड़ा नीचे आता है. राइट. और बीच में ना थोड़ा सा डाइसी लग रहा था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड बांग्लादेश जब वो 2-5 रन मारे थे उसने. हाँ, तब थोड़ा लग रहा था कि यार बिग गेम्स की जरूरत पड़ेगी तो क्या करेगा. बट यार बिग गेम्स में मतलब पाकिस्तान और इंग्लैंड देखें, 37 रन पाकिस्तान में और 63 इंग्लैंड में. तो मेरे को लगता है कि जैसे पाकिस्तान में लोग थोड़ा डाउनग्रेड करेंगे उसको कि भाई कोहली ने ज्यादा दिया, पर आई थिंक कोहली एक्सप्रेस ही तब कर पाया जब पांड्या था उसके साथ. Exactly. और उसने खुद मेंशन भी किया था पोस्ट मैच में कि हार्दिक पांड्या ने उसको कॉन्फिडेंस दिया. True. और एक रन उसे पकड़ के रखा हुआ था इसलिए कोहली अपने आपको एक्सप्रेस कर पाया जो राइटली सेड. और इंग्लैंड में तो उसने मैच इनिंग्स दी थी यार इंडिया. ट्रू. तो हार्दिक पांड्या का ओवरऑल गुड कैंपेन फॉर मी. अब आते हैं हम अक्षर पटेल पे. 3 इनिंग्स खेली हैं, 9 रन मारे हैं, 4.5 का एवरेज और 100 का स्ट्राइक रेट. अक्षर पटेल का यार मतलब मुझे लगता है ना कि गजब बेइज्जती है. मतलब यार चहल को खिलाना चाहिए था एज वी हैव बीन सेइंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट, क्योंकि ये 9 रन है ठीक है, बैटिंग अश्विन तुमसे बेटर कर ही ले रहा है तो फिर तुम एक बॉलर अफोर्ड कर सकते थे इन माय ओपिनियन. और विकेट्स भी यार मतलब उसकी बॉलिंग पे अगर हम लोग आएंगे विकेट्स भी उसके कुछ खास नहीं है. विकेट्स कुछ खास नहीं है, 5 मैच में 3 विकेट लिए हैं और 8.62 की इकोनॉमी है. मेरे ख्याल से सबसे एक्सपेंसिव बॉलर गया है. हाँ, राइट. और विकेट भी सबसे कम ही है मेरे ख्याल से. तो इससे बात बहुत क्लियर हो जाती है मतलब ही कुड नॉट परफॉर्म रियली वेल इन द कैंपेन. और इन माय ओपिनियन चहल गिवन ही इज द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडियन टी20s शुड हैव बीन द क्लियर स्टार्टर ओवर हिम. बट ठीक है चलो मतलब अ बैड कैंपेन बाय हिम एज वेल अक्षर पटेल, बट ठीक है होता है. एंड टॉकिंग अबाउट बॉलर्स यार बॉलिंग पे आते हैं अब. अर्शदीप सिंह 6 मैच में 10 विकेट, 7.8 की इकोनॉमी, आई थिंक बाय फार द बेस्ट बॉलर ऑफ इंडिया. 100% बाय फार द बेस्ट बॉलर. और इसको कह सकते हैं एक्चुअली इन माय ओपिनियन द फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट फॉर इंडिया. हां राइट, राइटफुली, क्योंकि यार जैसा उसने एम्ब्रेस करिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द ओपनिंग बॉलर गिवन कि बुमरा लास्ट मोमेंट पे इंजर्ड हो गया था. राइट. बहुत बड़े शूज थे फिल करने के लिए बट बहुत राइटली उसने एग्जीक्यूट किया. उसकी एबिलिटी टू स्विंग द बॉल बोथ वेज बहुत अच्छा, मतलब लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट हमें मिल सकता है इसमें. सो लेट्स होप कि ही कंटिन्यूज दिस फॉर्म. एंड कमिंग टू शामी, 6 मैच में 6 विकेट, 7.15 की कोनी, आई थिंक सेकंड बेस्ट यही था बॉलर. हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि शामी वाज द ओनली बॉलर विच कुड स्केयर द अदर बैट्समैन बाय जस्ट हिज पेस. ट्रू. अगर हम लोग एक्सप्रेस पेस की बात करें ना, सिर्फ शमी ही था समवॉट नियर टू दैट मार्क एज फार एज इंडिया इज कंसर्न. राइट. तो ठीक है यार, डिसेंट था. इनफैक्ट मेरे ओपिनियन में ही हैड अ बेटर कैंपेन देन भुवनेश्वर कुमार. और डेफिनेटली यार भुवनेश्वर कुमार की बात करें, 6 मैच में 4 विकेट लिए, 6.16 की इकोनॉमी, बट वो 4 विकेट का क्या सीन है? 2 विकेट नेदरलैंड्स अगेंस्ट आए हैं, 1 जिम्बाब्वे, 1 पाकिस्तान. अगर हम बाकी मैचेस की बात करें तो भाई बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इसके अगेंस्ट 0 विकेट्स. बट ठीक है मतलब हां, वी कुड हैव एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम हिम. इकॉनमी वर्ल्ड क्लास है डेफिनेटली, बट मुझे लगता है ना क्रंच मोमेंट्स में तुम्हें विकेट चाहिए होते हैं तब उसने परफॉर्म नहीं करा. तो और उसकी पेस भी बहुत कम हो गई है. True. मैं देख रहा हूँ जैसे कि तो वी काइंड ऑफ हैव टू क्वेश्चन हिज पेस एज वेल इन द स्टार्टिंग. एंड टॉकिंग अबाउट पांड्या यार, 6 मैच में 8 विकेट, 8.11 की इकोनॉमी. पांडे के लिए मेरे हिसाब से बॉलिंग में भी अच्छा गया. हाँ, क्योंकि 8 विकेट है, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर टीम इंडिया. राइट. और वो ऑलराउंडर इज नॉट इवन अ मेनस्ट्रीम बॉलर. तो बिग फीट फॉर हिम. इकोनॉमी थोड़ी ज्यादा है बट मेरे ख्याल से इतना चलता है यार. ऑस्ट्रेलिया में भी अगर इतना तुम करके दे रहे हो टी20s में, इट्स एब्सोल्युटली फाइन फॉर मी. अब आते हैं हम स्पिनर्स पे. सो अश्विन 6 मैच में 6 विकेट और 8.16 की इकोनॉमी, बट 6 में से 3 विकेट तो जिम्बाब्वे अगेंस्ट ही आ गए थे. एग्जैक्टली. अश्विन का ही मुझे लगता है ना अंडर परफॉर्म कर रहा है. हाँ, राइट. और मतलब हम लोग तो बिगेस्ट प्रोपोनेंट रहे अश्विन के, किसे खिलाना चाहिए. बट इन ऑल ऑनेस्टी अश्विन मुझे लगता है ना, हमने क्लियरली देखा एक ट्रेंड था अश्विन के लिए कि जब भी वो एक्सपेरिमेंट करने जाता विद द फास्टर डिलीवरी द विकेट वॉज नॉट हेल्पिंग हिम. वो तब रन खाने गया है जिस मैच में उसने 3 विकेट भी लिए ना जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, तीनों विकेट स्लोअर बॉल पे आए हैं. और उस मैच में उसने जब भी तेज बॉल डाली वो चौके छक्के ही खा रहा था. साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक बहुत मॉन्यूमेंटल मैच हो सकता था उसके लिए जो विराट कोहली ने वो कैच छोड़ दिया था. बट स्टिल यार उसके बाद उसने 2 छक्के वो जो खाए मिलर के अगेंस्ट, गेम बदल गया था वहां से. राइट. तो आई वुड से बिलो एवरेज टूर्नामेंट फॉर अश्विन. एंड पॉसिबली मतलब वही ना, जब चहल जैसा प्लेयर बेंच पे बैठा हो तो ऐसे क्वेश्चन मार्क्स उठना बहुत नेचुरल है. सो ये तो बात हो गई बॉलिंग की, बट अगर हम लास्ट थॉट्स दें तो क्या लगता है?
मतलब यार क्या लगता है कि अब तो हार ही गए ज्यादा सोचने की वाली बात है नहीं। हाँ। मुझे बस ये लगता है यार कि अब जो हमने गलतियां करी है वो हम लोग अगले साल और अगले से अगले साल जब दो वर्ल्ड कप आ रहे हैं तब वो गलतियां रिपीट ना हो, क्योंकि यार अब बहुत हो गया यार। तो हर साल हर टूर्नामेंट में सेमीज और फाइनल से बाहर हो रहे हैं, तो वो सब चीजें हम लोग सही कर लें। होपफुली राहुल द्रविड इज द राइट कोच फॉर मी, अच्छा करेगा होपफुली, देखते हैं यार क्या होता है, बट अगले साल हम आ रहे हैं। So that's it for today guys, you hope you like the video, do like, share and subscribe और bell icon भी दबा देना, और हमें comments बताओ कि तुम्हारे according man of the tournament कौन रहा है। Besides हम today Instagram, Facebook पे भी हैं, तो वहाँ पे भी check कर लेना, and we'll see you guys in the next video।